हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो सबसे पहले आपको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ। हमारी हम सब की तरफ से आपको जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हम जा रहे हैं सारे सेम, ये हमारी पूरी टीम है। हाय बोल दीजिए एक बार कैमरे पे। तो आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे इसमें, और इस जंगल के रास्ते हम पैदल जाने वाले हैं सेम मुखेम। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। दोस्तों, हमें 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया हमने, और ये हमारी गैंग है। बाकी लोग भी पीछे से आ रहे हैं, उनको भी दिखाएंगे आपको। कुमार बताइए, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच के? बहुत बुरा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने नीचे पूरा दर्द हो रहा है। अभी का मंदिर के लिए भटक रहे हैं यहाँ, यहाँ पे थोड़ा विश्राम कर रहे हैं। हाँ चढ़ोते दूर है ना। अब उन ले आओ यार, थोड़ा फोटो शूट करते हैं। जो मंदिर है इसको कहा जाता है कि ये बहुत पुराना है। यहाँ पे पहले यहाँ पे गांव मतलब एक छान टाइप की रहती थी, लोग रहते थे। ये खेत हैं, ये खेत थे पहले, हमारे पूर्वजों के खेत थे पहले। ये जो रास्ता जाता है ये मतलब नीचे से तो बड़ा दिक्कत लगता है, दिक्कत होती है, पर यहाँ से जो रास्ता होता है सीधा बड़ा मजा आता है। महाकसम बड़ा मजा आता है। हेलो गाइस, तो हम पहुंच चुके हैं डुंडरो, यहाँ का नाम बोलते हैं डुंडरो, और ये है नागराजा का मंदिर यहाँ पे। तो काफ़ी लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने, और यहाँ से केवल थोड़ा ही बचा है सेम के लिए। तो चलते हैं यहाँ पे दर्शन करते हैं। बहुत ही ठंडा एक अपील हम करना चाहेंगे सभी यात्रियों से, जब भी आप आते हैं इस तरीके से गंदगी ना करें अपने साथ। ये प्लास्टिक अगर आप आते हुए हैं तो अपने बैग में रखें ये सारा कबाड़ा, और किसी डस्टबिन में डाल दें, ऐसे इधर उधर ना फेंके कबाड़ा। तो दोस्तों, लगभग 12.5 किलोमीटर का रास्ता तय करने के बाद हम इस छान के पास पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर हमारे बड़े भाई जी चाय बना रहे हैं हमारे लिए। तो थोड़ा चाय पीते हैं और फिर चलते हैं सेम की ओर। राज भाई जी, आप हमें इस जगह के बारे में बताइए थोड़ा। जरूर, राधे राधे सबको। राधे राधे। तो सबसे पहले जो ये इसे पिचासनी का वो कहा जाता है, सिलवटा होता है, जैसे श्री कृष्ण भगवान ने उसका वध किया था। तो वो जगह नीचे है, अभी काफ़ी नीचे, यहाँ से सतरंगी का सोड़ बोलते हैं वहाँ। तो वहाँ जाके हम आपको वो चीज़ बताएंगे जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान का वध किया था। तो चलते हैं नीचे, फिर मिलते हैं वहाँ। दोस्तों, जो आप नीचे जगह देख रहे हैं उस जगह का नाम है मणवागी, जहाँ 3 साल में एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। कैमरामैन से एक बार कहना चाहूँगा, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। तो दोस्तों, एक बार नज़ारा देखिए जरा यहाँ का,
इतना खूबसूरत नज़ारा है और इस जगह का नाम है शतरंज का सोड़। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शतरंज के सोड़ में और यहाँ पे हमारे साथ है हमारे मामा जी। तो हमारे मामा जी यहाँ के बारे में बताएंगे आपको क्या विशेषता है यहाँ की। हेलो नमस्कार, राधे राधे। आज हम यहाँ जन्माष्टमी के टाइम पे हर वक्त ही आते हैं वैसे, और यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वास है और यहाँ पे कई चीज़ें हैं जैसे कि भगवान जी के पाँव के निशान हैं, घोड़ी के निशान हैं, घोड़ी के पाँव के निशान हैं और कई खासियतें हैं यहाँ की, और इसी करके लोग यहाँ पे आते हैं ताकि यहाँ से कुछ मनोकामना पूर्ण होकर जाते हैं। तो जो अभी हमारे मामा जी ने बताया कि यहाँ पे श्री कृष्ण जी के पाँव के निशान हैं, तो आपको बताते हैं उनके पाँव के निशान कहाँ पे और कैसे हैं। तो दोस्तों ये हैं श्री कृष्ण जी के पाँव के निशान, देख सकते हैं आप। घोड़े के पैर के निशान, घोड़े फोटोज। तो दोस्तों वो रहा मंदिर और ये रहे हम। काफी ज्यादा भीड़ दिख रही है यहाँ से। तो दोस्तों फाइनली हम मंदिर में पहुंच चुके हैं। ये चप्पल लगी यार, चप्पल लगी यार चंदी भाई। मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस, मंदिर में बहुत ज्यादा भीड़ है गाइस। अभी हमने मंदिर की परिक्रमा तो कर लिया और यहाँ पे सिद्धारमोला भगवान जी हैं हमारे, गंगूरमोला सिद्धारमोला सब मैं तो इनसे भी हम मिल गए हैं, दर्शन कर लिए हैं और अंदर भी हमने दर्शन कर लिए हैं, आपको वीडियो में दिख जाएगा सब कुछ। इसके बाद एक पत्थर ऐसा है जिसको हम पूरे हाथ से नहीं हिला सकते पर हम इस उंगली से उसे हिला सकते हैं। उसके बाद हम उस पत्थर पर जाएंगे जिसको हम दगड़ियांदी डूंगी बोलते हैं जैसे हमारी मातृभाषा में। तो अब हम दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं इस
डगडियांदी ढूंगी पे। तो इसकी विशेषता ये है कि ये छोटी उंगली से ही हिल जाता है। और यहाँ पे धूप देते हुए हमारे बड़े भाई जी शिवराज भाई, जगह नहीं पा रहे हैं आप। कैमरामैन जल्दी फोकस करो, कैमरामैन जल्दी फोकस करो। दोस्तों सेम मुखेम की हमने मेन मेन चीज़ें आपको बता दी है। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हम मिलते हैं कि आपको किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।